ये जहर ले लो, ये गुटखा खा के मरो, ये बाबा राम रहीम का गुटखा मसाला खा के देखो एक महीना में कैंसर। गुटखा खाओ, दांत सड़ो, ढोला पड़ाओ, मर जाओ। सासाराम में आसनसोल वाराणसी पैसेंजर ट्रेन में एक युवक वेंडर को अजीब तरीके से पान मसाला तथा गुटखा बेचते हुए देखा गया। आसनसोल से वाराणसी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में सासाराम में एक युवक वेंडर को अपने ही गुटखा के बारे में नकारात्मक बातें करते हुए गुटखा बेचते हुए सुना गया। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, गुटखा खाओ और कैंसर रोग को बुलाओ। घर के जो नशेड़ी और नालायक हैं वहाँ आकर मेरा गुटखा जरूर खरीदें। जिन्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है तथा मौत का इंतज़ार है वह आए और उनका गुटखा खाए। वह चिल्ला चिल्ला कर गुटखा लेकर यह कहते हुए बेच रहा है कि जहर ले लो, जहर ले लो, गुटखा खाओ और कैंसर रोग से मात्र एक महीने में मर जाओ, अपना दांत काला कर लो, गले का रोग मुफ्त में पाओ। गुटखा बेचने के इस अजीबोगरीब तरीके और आश्चर्य की बात है। वह अपने सामान की खुद शिकायत करते हुए उसे जहर बताता है, जिसकी रोजी रोटी उसी गुटखे से बेचने से चलती है। लेकिन फिर भी इस गुटखा बेचने वाले की हिम्मत की दाद देनी होगी, जो गुटखा खाने के हानि को चिल्ला चिल्ला कर यात्रियों को बता रहा है और कह रहा है कि जो भी नालायक और नशेड़ी हैं अपने अभिभावक का बात नहीं मानते, जिनको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है वह मेरा गुटखा खाए, और दावा है कि एक महीने में कैंसर का रोगी होकर मर जाएगा। इस गुटखा बेचने वाले की अजीबोगरीब तरीके को देखकर यात्री भी भौचक रह गए। सासाराम से चंदौली की यात्रा कर रहे यात्री संदीप कुमार गुप्ता कहते हैं कि भेंडर की गुटखा को लेकर की जा रही बातें अजीबोगरीब हैं, लेकिन सच हैं, जो लोग को सोचने पर मजबूर करती है कि गुटखा बेचने वाला युवक सासाराम से चलकर भभुआ रोड स्टेशन पर उतर गया। लेकिन यात्री ट्रेन में इसकी चर्चा जरूर करते रहे। ये जहर ले लो, ये गुटखा खा के मरो, ये बाबा राम रहीम का गुटखा मसाला खा के देखो एक महीना में कैंसर। गुटखा खाओ, दांत सड़ो, ढोला पड़ाओ, मर जाओ। आपको खाना हो तो खाइएगा, आपको जिंदगी प्यारी लगती हो, किसी का घर के अनमोल बेटे हो, बाप हो, भाई हो, दोस्त हो, किसी का पति हो, किसी का बॉयफ्रेंड हो, कोई प्यार करने वाला रोने वाला पीछे है, आपको माँ बाप मना करते हो तो मान देना चाहिए, कोई बेचने वाला बेचे तो नहीं खाना चाहिए, आपको मरने का शौक हो तब मेरे पास आना चाहिए। चलो भाई, कोई नशेड़ी घर का न लायक, कोई मरने वाला है? गुटखा खाने से 32 लोगों की मौत, 33 नंबर किसका भाई यहाँ दुड़ाओ। ये जहर ले लो, आसनसोल इंटरसिटी ट्रेन, आसनसोल मुगलसराय ट्रेन में बेच रहा है गुटखा, खा के मरो। क्या संदीप जी, आप सासाराम से चंदौली जा रहे हैं? संदीप कुमार गुप्ता नाम होगा मेरा। जो गुटखा बेच रहा था उसके बारे में क्या ख्याल है? गुटखा बेचने वाला जो बोल रहा था, जो कह रहा था, उसकी उससे एक समाज को एक संदेश जाता है क्या कि गुटखा से कितना नुकसान है लोगों को, और जो सबसे बड़ी बात कि वो बेच भी रहा है और अपने सामान की बुराई भी कर रहा है। तो इससे लोगों को जागरूक होना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।